क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया है? अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 8 AM एंड रीचेस स्टेशन बी एट 12 noon. अ कार लीव्स स्टेशन बी एट 8:30 AM एंड रीचेस स्टेशन बी अच्छा स्टेशन ए एट द सेम टाइम व्हेन द ट्रेन रीचेस स्टेशन बी. मतलब कि ये भी 12 बजे पहुंच गया. एट व्हाट टाइम डू दे मीट? कैसे करेंगे देख लीजिए. तो हमने मान लिया कि यहाँ पे स्टेशन ए है, स्टेशन बी है. स्टेशन ए से 8:00 में एक ट्रेन मूव करना स्टार्ट की और यह 12:00 में कहाँ पे पहुँच गए हैं? स्टेशन बी पे. ये था अपना क्या ट्रेन. सेकेंड सिनेरियो में क्या है कि बी से कार मूव करना स्टार्ट की. कार मूव करना स्टार्ट की, ये कितने बजे चली है? 8:30 में गई है और ए पे कितने बजे पहुँच गई? 12 बजे पहुँच गई. अब जाहिर सी बात है बीच में कभी ना कभी मिलेगा ही दोनों. तो सबसे पहले हमें पता करते हैं कि डिस्टेंस क्या है ए बी का. अगर हम पूछे कि ए ने कितना टाइम लिया है ट्रेवल जर्नी में तो आ जाएगा 4 hours. बी से अच्छा ए के प्लेस पर ट्रेन लिख लेते हैं, टी ट्रेन ने कितना टाइम लिया है और कार ने कितना टाइम लिया है तो आएगा 3.5 घंटे, मतलब कि 7/2 hours. अगर हम पूछे कि ए बी डिस्टेंस कितना अज्यूम कर दें तो इसका जो एल सी एम अज्यूम करेंगे तो ठीक ही रहेगा. अच्छा ये हम अज्यूम कर रहे हैं, आप दूसरा डिस्टेंस भी अज्यूम कर सकते हो. तो ये 28 किलोमीटर हो गया. तो अभी बताइए कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा. 28 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है, 4 hours में पहुंच गया तो ये आ गया 7 किलोमीटर पर आवर. और स्पीड ऑफ कार ये कितना हो जाएगा, 28 को 7/2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 8 किलोमीटर पर आवर हो गया. अभी बात ये है कि दोनों अगर एक ही टाइम पे चलता तो बहुत ही सिंपल था, तब रिलेटिव स्पीड लगा के कर लेते. दोनों अलग अलग टाइम पे चल रहे तो बी से जो कार है ना वो 8:30 में चल रही है. अगर यह 8:30 के बजाय 8 चले तो बात ये है कि 8:30 में उसे बी से ही स्टार्ट करना है. तो एक्चुअली में क्वेश्चन में तो बी से ही स्टार्ट किया है तो हम इसको 8:30 के बजाय बोलते कि चल भाई तू 8 बजे ही चल. तो 8 बजे कब चलेगा, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 मिनट्स बाई कार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/2 तो 4 किलोमीटर. अगर इसको हमें 4 किलो मतलब 8 बजे ही चलाना है तो 4 किलोमीटर पीछे से चलाना पड़ेगा. तभी ना 4 किलोमीटर पीछे से चल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा कि जैसे ही 8:30 होगा वो बी पे ही पहुंचेगा. अभी अपने पास क्या है, दोनों 8 बजे चल रहे हैं तो निकाल रहते हैं टाइम क्या होगा. तो देखिए डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना हो गया है, ये था आपका 28 में 4 ऐड कर दिया तो 32 किलोमीटर हो गया. दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड का सम तो 7+8 तो यहाँ से आ रहा है 32/15. 32/15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 × 30 प्लस 2/15 और इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 hours 8 minutes आ रहा है. 8 बजे चला है तो टाइम ऑफ मीटिंग कितना हो गया, टाइम ऑफ मीटिंग 8 में 2 hours 8 मिनट ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 10:08 या 10:08 में मिलेगा. तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी. उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ.